जय मसीह की। एक बाइबल वचन कभी कभी गलत पढ़ने से बड़े इम्पैक्ट हो जाते हैं। एक ऐसा ही वचन है दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 15, जो ये कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बरम परमेश्वर का है। और ज़्यादातर मसीह लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो वह अपना युद्ध लड़ते ही नहीं, जबकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मिक लड़ाई लड़े। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें कुछ हथियार और कवच भी दिए है। आखिर ये हथियार और कवच कितने पावरफुल है, इसके बारे में पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 में ये कहता है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये सारे हथियार और कवच इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 10 से 17 के बीच में बताए गए हैं। शायद आपने इसे पहले पढ़ा हो, शायद आपने इसे पहले ना पढ़ा हो, पर मैं आपको ये सभी हथियार एक नई तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है एमी डेविड, चलिए मेरे साथ एक नए सफर में, क्योंकि जल्दी आ रहा है द आर्मर ऑफ गॉड। मिलेंगे जल्दी।